रात नहीं ख्वाब बदलता है मंजिल को अगर पाना है जीतने का अगर हौसला है किस्मत बदले न बदले वक्त ज़रूर बदलता है अपनी ऊर्जा अपनी मेहनत के बल पर कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कुछ भी पाया जा सकता है इसी का उदाहरण है आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका जो नाम है अपने आप में इतना बड़ा है कि परिचय के बहुत आज वो बिल्कुल भी नहीं है उनके शिष्य पूरे विश्व भर में फैले हुए हैं और उन्होंने जो शिक्षा का प्रचार प्रसार किया एक अद्भुत आयाम उन्होंने कायम किए हैं इतनी सारी जब उनके जीवन से जुड़ी हुई बातें उनका परिचय मैं आपको दे रही हूं तो आपको मिलवाती हूं आज हमारे इस कार्यक्रम धरती धोरारी में हमारे साथ हैं विशेष अतिथि संजीव भानावत जी प्रोफेसर डॉक्टर संजीव भानावत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न, हमारे इस कार्यक्रम नम नमस्कार संजीव जी के बारे में दर्शकों आप जानते हैं कि आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में और ख़ासकर जनसंपर्क के क्षेत्र में इतना काम किया है और राजस्थान में अगर हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में नई नई चीज़ों को कोर्स में शामिल करने को लेकर और सिर्फ राजस्थान में ही नहीं राजस्थान से आपके व्यक्तित्व से आपके सेटअप से, से प्रेरणा लेकर बहुत सारे राज्यों में आपकी गाइडेंस में बहुत सारे जो कोर्सेज़ हैं नए नए वो लॉन्च किए गए तो संजीव जी आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपका जो बचपन है उसमें क्या विशेषता रही क्या घर में ऐसा माहौल था पढ़ाई लिखाई का शिक्षण का देखिए संयोग से मैं ऐसे माता पिता की संतान हूँ जो स्वयं शिक्षा से जुड़े हुए थे और उनका जीवन पूरा संघर्ष में रहा मेरे पिताजी डॉक्टर नरेंद्र भानावत वो हिंदी के प्रोफेसर थे और मेरी माता डॉक्टर शांता भानावत वो भी हिंदी में थी और एक यहाँ स्थानीय महाविद्यालय की प्राचार्य थी पिताजी विश्वविद्यालय में थे राजस्थान विश्वविद्यालय में तो मुझे प्रारंभ से ही एक अकादमिक माहौल मिला और जो माता पिता का संघर्ष था बिल्कुल नितान्त गरीबी में आर्थिक अभावों में झूझते हुए अपनी मेहनत और अपने संघर्ष से उन्होंने एक तरह से अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छुआ तो जब मेरे पिताजी शायद थर्ड ईयर में थे और मेरी माँ उस समय आठवीं क्लास में थी तब उनका विवाह हो गया था और विवाह के बाद पिताजी ने मेरी माता जी को पीएचडी करवाई तो वो जिस तरह का उनका शिक्षा के प्रति मोह था तो हमें भी उन्होंने इस बात के लिए प्रेरित किया कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो तो मेरा जो बचपन है वो माता पिता के सानिध्य में और पढ़ाई के वातावरण में रहा जब मैं अपनी प्राथमिक ये सारी पढ़ाई लिखाई मेरी जयपुर में ही हुई हालांकि हम बोलते उदयपुर के रहने वाले हैं मेरा जन्म उदयपुर का है लेकिन शुरुआत मेरी जयपुर से ही होती है यहीं के महाविद्यालय स्कूलों में मैं पढ़ा जब मैं आठवीं क्लास तक आया तो जब मैं कभी अपने बचपन को याद करता हूँ तो शायद कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रोवर्ड नहीं था अपने ही अंदर समाए हुए या जो मैं कहूँ एक सामान्य शब्दावली में एक शर्मीले आ, किशोर के रूप में अपने आप को मैं कभी महसूस करता हूँ कि उस दौर में था नाइन्थ क्लास में आते आते फिर मेरी जो साहित्यिक अभिरुचियाँ हैं वो जागृत होती हैं और मैंने डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और शायद नाइन्थ क्लास में था मैं तब मैंने पहली डिबेट हमारे स्कूल के पास में एक, एक स्कूल था वहाँ पर मैंने पार्टिसिपेट किया उसके बाद तो जैसे कहते हैं कि एडिक्शन लग गया और विश्वविद्यालय में आकर के भी इन साहित्यिक जो गतिविधियाँ थी उसमें सक्रिय रहा थिएटर भी किया तो कुल मिलाकर के हम एनएसएस का जब कैंप लगा करता था, था उस समय उसमें, उसमें पार्टिसिपेट किया एनसीसी के भी मैं थोड़ा बहुत रहा थोड़ा बहुत खेलने में रुचि रही तो कोशिश ये की कि हर क्षेत्र का थोड़ा बहुत हमें जानकारी रहे कॉलेज uh, में आए तो छात्र राजनीति में सक्रिय रहा चुनाव भी लड़े कभी जीते कभी हारे वो एक अलग कहानी है लेकिन कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि इन सारी गतिविधियों से जीवन में मुझे एक आत्मविश्वास जागृत हुआ और कहीं जो व्यक्तित्व के अलग अलग पक्ष हैं उसको भी मुझे लगता है कि इससे बल मिला तो जो बचपन है मेरा वो एक शैक्षिक माहौल में ही पला बसा शुरू से ही किताबों के साथ दोस्ती रही और उनको पढ़ पढ़ के हमने अपने नोट्स बनाए और परीक्षाओं में अच्छे अंक अर्जित किए और शुरू से एक सपना था कि शिक्षक बनना है ना प्रशासनिक सेवाओं में जाना है ना और किसी क्षेत्र में जाना है शिक्षक बनने का ही एक सपना देखा और ये मेरा सौभाग्य है भाग्यशाली हूँ जी, जी बचपन की सर आप जब बात कर रहे हैं संजीव जी बचपन की जब बात कर रहे हैं तो शिक्षा की बात आपने की है और आपने कहा आज जब आप ये कह रहे हैं कि बचपन में आप एक बहुत ही अंतर्मुखी बच्चे थे तो बहुत सारे लोगों को यकीन भी नहीं हो रहा होगा और बचपन में बहुत सारी चीजें होती है छोटी छोटी शैतानियां होती हैं कुछ खुशनुमा पल होते हैं कभी माता पिता से डांट भी पड़ती है कोई ऐसे बचपन की डांट वाट तो नहीं पड़ी लेकिन हाँ दोस्तों के साथ हल्की फुल्की छेड़छाड़ जो है वो करते थे जैसे क्लास में बैठे हुए हैं कोई पास में दोस्त है वो बैठने लगा तो उसकी कुर्सी पीछे खींच ली वो कहीं गिर गया उसका कोई टिफिन छिपा दिया ये कर दिया उस तरह के जो थोड़े छोटे छोटे मोटे जो इस तरह के होते थे ना ये शैतानियाँ करते थे लेकिन एक जब आपने पूछा तो मुझे एक तुरंत जो स्मृति आई है उस समय मेरी आदत ये थी कि जो किताबें होती थी जहाँ लेखक का नाम लिखा होता था उसको मैं काट करके अपना नाम लिख देता था अब पाँचवीं छठी क्लास का बच्चा उसे डिग्रियों का पता नहीं तो जो डिग्रियाँ मुझे उस समय याद आती थी एम ए पी है ना वो उस समय जो डिग्रियाँ चलती वो लिख दिया करता था उस समय नहीं सोचा था कि ये जो बचपन में मेरे अनायास जो इस प्रकार की महत्वाकांक्षा जागी है कि हर किताब पे मैं लेखक के रूप में अपना नाम लिख रहा हूँ आगे जाकर के ये यथार्थ होगा इसी तरह से जो अखबार आते थे उनके शीर्षकों के साथ मैं अपनी टिप्पणियाँ लिख दिया करता था उस समय क्या होता था कि पड़ोस में जो क्योंकि एक अखबार एक जना मंगा रहा है दूसरा जना दूसरा अखबार मंगा रहा है फिर हम अखबार एक्सचेंज करते थे तो हमारे पड़ोसी पिताजी से कहा करते थे साहब मैं अखबार इसलिए पढ़ता हूँ कि आपका बेटा उसमें बड़ी अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ कर देता है हेडलाइंस के साथ तो मुझे लगता है कि भाषा के साथ खेलने की जो आदत है वो शायद बचपन में ही कहीं संस्कारों के साथ आगे पल्लवित पुष्पित होने लगी तो उस तरह का ही हमने किया बाकी जैसा मैंने आपसे कहा कि जब हम साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े हुए थे तो नेचुरली शहर के बाहर भी जाते थे यूनिवर्सिटीज़ को कॉलेज़ को रिप्रजेंट करते थे जब फील्ड में हैं तो हंसी ठहाके ये सब हमारे जीवन के अभिन्न हिस्से हो गए थे हम छोटे छोड़ छोटे वो वाद्य यंत्र ले जाते थे जैसे ढोलक ले गए या उस तरह के तो वो हाँ बजा बजा करके सड़कों पे निकलना है या होली पे भी कई शैतानियाँ करते थे कि जो होली जलती थी घरों के आगे जो नेम प्लेट्स वगैरह हैं उनको तोड़ निकाल करके वहाँ डाल दिया टाइटल्स दिया करते थे आस पड़ोस में जो लड़के लड़कियाँ थे नाम गोपनीय रखते थे बाद में किसी को टाइटल नहीं पसंद आया कहीं डिफेमिन उस तरह का महसूस करते थे तो उसको लेके काफ़ी तमाशे भी होते ही थे लेकिन हमने नाम कभी उजागर नहीं होने दिए तो उस तरह की जो शैतानिया या चंचलता बाल सुलभ या जिस रूप में भी आप कहें तो ऐसी कुछ अभिव्यक्तियां हमने हमारे उस काल में की थी जी जी आ, आपने अपने बचपन का जिक्र किया है जब कॉलेज की पढ़ाई की बात आई उस जमाने में तो ज्यादातर माता पिता चाहते थे कि बच्चा डॉक्टर बने इंजीनियर बने तो आपके माता पिता का भी कुछ ऐसा ही सपना था बिल्कुल ये था और इसीलिए नाइन्थ क्लास में मैंने साइंस ली थी जी है ना साइंस बायोलॉजी ली थी और खूब डिसेक्शन भी किए अब तो ये मुझे लगता है कि जो हमारा नया सिस्टम है उसमें ये फ्रॉग डिसेक्शन वगैरह जो है ना ये सब बंद हो गए और वो शायद उस पर्दे पे ही करते हैं वो उस तरह से नहीं है लेकिन हमने ये सब किया फिर एलेवंथ पास करने के बाद हमारे समय में टेंथ प्लस टू नहीं था एलेवंथ करके हम कॉलेज में जाते थे तो मैंने मारजाज कॉलेज में एडमिशन लिया वहाँ पर मेरे हिंदी में हाइस्ट मार्क्स थे कंपल्सरी हिंदी में और बाकी डिवीज़न तो फर्स्ट था लेकिन कोई बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे फिर पीएमटी की परीक्षा दी सिलेक्शन नहीं हुआ बस उसी दिन मैंने सोचा कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है और साहित्य के डॉक्टर बनेंगे मैंने फिर आर्ट्स ली हिंदी संस्कृत और हिस्ट्री वो विषय लेकर के मैं राजस्थान कॉलेज जो हमारी यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया और फिर छात्र राजनीति में मुझे अभी तक याद है मेरा स्लोगन था बी बोल्ड चूज़ गोल्ड वोट फॉर संजीव बनावत इस तरह के स्लोगन सबने लगाए थे और फिर वहाँ की जो साहित्यिक हमारे गतिविधियाँ थी कॉलेज मैगजींस थी उनका एडिटोरियल बोर्ड में मुझे लिया गया तो वो फिर जो एक विद्यार्थी जीवन में जिस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं फिर हमने एक नाट्य संस्था बनाई रंग जिसके बैनर पर हमने ड्रामा फेस्टिवल किए दुर्भाग्य से हमारे एक अभिन्न मित्र का दुर्घटना में निधन हो गया था उसकी स्मृति में हमने एक फेस्टिवल किया तो कहने का मतलब यह है कि हम बहुत एक्टिविटीज़ करते थे घूमर और ये हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के जो यूथ फेस्टिवल होते थे घूमर है मयूर है जब मैं डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी था तब मैंने आखिर करके एक आयोजन किया है ना यूथ फेस्टिवल पूरा तो मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व इन in गतिविधियों में रहा लेकिन जो लक्ष्य था पढ़ाई का वो मैंने नहीं छोड़ा साथ साथ पढ़ाई भी खूब की और जैसा मैंने कहा कि अब जो मैं विद्यार्थियों को देखता हूँ धीरे धीरे वो मुझे कहीं दुख होता है कि विद्यार्थी उतने तल्लीनता से नहीं पढ़ते हैं। हम एक एक विषय पे पाँच पाँच आठ आठ दस दस किताबें टेबल पर रख कर के देखते थे और उनको पढ़ के नोट्स लेते थे अब सब गूगल बाबा पे निर्भर है गूगल इज़ गॉड हो गया है और एक क्लिक पे आपके साथ हज़ारों पृष्ठ खुल जाते हैं लेकिन हम उस पीढ़ी के हैं जो उस प्रिंटेड वर्ड की जो एक खुशबू है या जो उसका आनंद है उसको हमने महसूस किया तो उस तरह से हमने फिर आगे पढ़ाई की और जैसा था कि पेरेंट्स का आपने बिल्कुल सही कहा इंजीनियर डॉक्टर है ना ये दो मुख्य होते थे उसमें साइंस बायोलॉजी या साइंस मैथ्स दिलानी है और फिर आर्ट्स तक वो उतना नहीं क्रेज था लेकिन फिर वहाँ लेकर के मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा जब कॉलेज की राजस्थान यूनिवर्सिटी की आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं इतनी सारी उपलब्धियाँ आपके नाम हैं डॉक्टर संजीव जब आपने कहा कि शब्दों के डॉक्टर आप बनना चाहते थे और वो आप बने भी इतनी सारी किताबें आपने लिखी हैं और अगर शिक्षण की बात करें तो आप तो बहुत सारे बच्चों के प्रेरणा स्रोत्र हैं उनके लिए बिल्कुल एक प्रकाश पुंज की तरह हैं जब वो आपको देखते हैं तो बहुत सारी ऊर्जा उन्हें भी मिलती है आपसे पर अगर आपसे जानना चाहूं कि आपकी प्रेरणा कौन है कौन से ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें आप आज भी याद करते हैं देखिए यदि शिक्षक की बात करनी हो तो मैं जो मेरे स्कूल में शिक्षक थे मैं उन्हीं को याद करता हूँ सौभाग्य से एक दो टीचर्स ऐसे हैं जो अभी भी हैं डॉक्टर राम राम कुमार सिंह पुंडीर जो हमें हिंदी पढ़ाया करते थे एक राम जी हुआ करते थे कश्मीरी सिंह जी हुआ करते थे और जिनका कुछ समय पहले भी निधन हुआ है मैं इसलिए स्कूल के शिक्षकों को याद करता हूँ कि वो दौर ऐसा था जब शिक्षक एक अभिभावक के रूप में देखिए अब तो शारीरिक दंड पर प्रतिबंध लग गया है लेकिन वो दौर था जब एक शब्द गलत लिखने पर हमें हाथ आगे करके स्केल पढ़ते थे या बीच में पेंसिल लगा करके हाथ उंगलियां दबा दी जाती थी लेकिन कभी हमारे पेरेंट्स जो हैं स्कूल में नहीं गए मैं इसको कोई पक्ष नहीं ले रहा हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ इन परिस्थितियों में हम लोग पढ़े या आगे बढ़े तो उन टीचर्स का प्यार भी बहुत मिला मतलब मैं सौभाग्यशाली हूँ कि वो शिक्षक हमारे घर पर आते थे सुबह कई बार उठाने के लिए आते थे वॉक के लिए प्रेरित करते थे पढ़ाई के बारे में इतना इंटरेस्ट लेते थे तो वो जो दौर था वो अद्भुत था तो आज जो कुछ हम भाषा को सीख पाए हैं अभिव्यक्ति को सशक्त कर पाए हैं तो मुझे लगता है कि उसमें जो योगदान है वो हमारे स्कूल के शिक्षकों का है संयोग से, से चूंकि मेरे पिताजी भी यूनिवर्सिटी में थे और मैं डिबेट्स में जाया करता था तो डिफरेंट डिसिप्लिन के जो टीचर्स थे जब विषय देते थे तो कई बार वो समाजशास्त्र से जुड़ता था कई बार वो राजनीति विज्ञान का विषय होता था कई बार दर्शन शास्त्र का होता था तो ये जो अलग अलग विषयों के जो शिक्षक थे मेरा उनके साथ बहुत संवाद होता था मैं उन डिबेट्स के पॉइंट्स पूछने के लिए डिस्कस करने के लिए उन टीचर्स के पास जाता था तो मेरा एक दायरा बहुत व्यापक होता चला गया और निश्चित रूप से मुझे चीज़ों को समझने में अपने आप को विश्लेषित करने में उन शिक्षकों का बड़ा सहयोग मिला तो इसलिए शिक्षक तो स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर पर जो मेरा एक व्यक्तिगत संवाद उनके साथ हुआ मुझे लगता है कि उसने मेरी जो नींव है उसको मजबूत किया और शायद उन शिक्षकों को देख करके मेरे मन में भी ये कहीं प्रेरणा जगी हो कि मैं भी एक ऐसा शिक्षक बनूं जो अपने विद्यार्थियों के लिए कहीं एक आदर्श उपस्थित कर सकूं। तो उसी तरह का मेरा संयोग रहा बल्कि मैं तो मेरे जीवन का सौभाग्य मानता हूँ कि ऐसे भी मेरे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया लेकिन वो सम्मान जैसा हो ना वो एकलव्य और द्रोणाचार्य वाली बात हालांकि बहुत बड़े नाम ले रहा हूँ मैं लेकिन कहीं उस तरह की फील उनको होती है कि उस एकलव्य की तरह कहीं एक प्रभावित या प्रेरित होकर के अपने उस जीवन पथ पर आगे बढ़ रहे हैं तो इस मेरे चालीस साल की जो मेरी ये एक शैक्षिक यात्रा है इसमें यदि कुछ विद्यार्थी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित होकर के यदि ये सर्टिफिकेट मुझे देते हैं तो मुझे लगता है कि जीवन में और क्या चाहिए क्योंकि मैं मानता हूँ जीवन में दो ही व्यक्ति ऐसे हैं पिता और शिक्षक जो पिता अपने पुत्र से पराजय की उम्मीद करता है और शिक्षक अपने विद्यार्थी से तो शिक्षक यदि ऊंचाइयों पर पहुंचता है तो इससे बड़ा सुख किसी शिक्षक के लिए नहीं हो सकता और वो मैं अंदर से महसूस करता हूँ जब शिक्षक एक शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों की उपलब्धियों को देखता हूँ जब वो राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में आ, अपना उसमें स्थान बनाते हैं उनके जब पुस्तकें आती हैं जब वो पहली पुस्तक भेंट करने के लिए आते हैं अद्भुत अनुभव है ये भी अनुभव है कि विद्यार्थी जब नई गाड़ी खरीदता है घर पर लेके आता है सर पहले आप गाड़ी चलाएँगे इतना आज तो मुझे रिटायर हुए छः साल हो गए अभी भी वो संवाद बना हुआ है जैसे सोशल मीडिया पे देखते हैं कि मैं आजकल बॉम्बे ज़्यादा रहता हूँ जयपुर आ रहा हूँ तुरंत टेलीफोन आने शुरू होते हैं कि साहब कब टाइम है कब मिलना है तो ये जो एक व्यवहार मेरे विद्यार्थियों के साथ एक शिक्षक के रूप में या माता पिता के रूप में वो मुझे कहीं महसूस करते हैं तो मुझे लगता है मेरे जीवन में ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जी पता शिक्षक जो आपने अपनी उपलब्धि के बारे में बताया है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपसे प्रेरणा तो लेते ही हैं साथ ही साथ आज उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं उनके जो मन में आपको लेकर आदर भाव है सम्मान है या कोई घटना है वो प्रतिक्रियाएं हम सब दर्शकों को आज दिखाना चाहते हैं इस कार्यक्रम में हाय आई एम डॉक्टर स्मृति पाड़ी आई वर्क एट फकीर मोहन यूनिवर्सिटी एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्मिकेशन दिस यूनिवर्सिटी इज इन बालसोर उड़ीसा And uh, I am so fortunate uh, to have got this opportunity to speak about uh, my favorite professor, uh, Professor Sanjeev Bhanava sir. I know Professor Sanjeev Bhanava since uh, 12 years now, though I have not been fortunate enough to sit in his classroom as his former student in the department of JNMC in Rajasthan University. I met him in a conference, but since then, sir has guided me in many different ways. Be it uh, public speaking or the art of oratory or writing script or Hindi, I have learnt Hindi from uh, Professor Bhanavar, and the way he engages with his student uh, and makes sure that they reach their goals, they attain uh, the you know the best that they could in their respective careers is what is so so uh, amazing about uh, Professor Bhanavad. and I wish. have many such teachers in our country मैं दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मुझे मेरे गुरु यानी प्रोफेसर संजीव भानावत के बारे में कुछ बोलने के लिए कहा गया है प्रोफेसर भानावत से मेरी पहली मुलाकात लगभग 12 वर्ष पूर्व हुई थी जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में एडमिशन लेने के लिए गया था और ये बहुत ताजुब की बात थी उस समय मेरे लिए कि इतने वर्षों तक राजस्थान में पत्रकारिता करने के बावजूद मैं राजस्थान में मीडिया शिक्षा के पितामह को जानता नहीं था उनसे मिला नहीं था जब पहली बार मिला तो पहली ही मुलाकात में कुछ ऐसा क्लिक हुआ कि उसके बाद मुलाकातें बढ़ती चली गईं और कब प्रोफेसर भनावत सिर्फ एक शिक्षक की भूमिका से निकलकर एक अभिभावक और कभी कभी एक मित्र के रूप में मेरे जीवन में दाखिल हो गए ये पता ही नहीं चला आज स्थिति यह है कि मैं अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण निर्णय में प्रोफेसर भनावत की सलाह लेता हूँ उनका मार्गदर्शन लेता हूँ और बिल्कुल परिवार की तरह वो मेरे जीवन का हिस्सा हैं मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु करे स्वस्थ रखे और उनकी जो ऊर्जा है और सक्रियता है वो इसी तरह बनी रहे राजकीय सेवा से निवृत्ति के बाद भी जिस तरह से लगातार अपने मीडिया जर्नल कम्युनिकेशन टुडे से संबंध संबन्द, संबंधित कार्यों में अपनी वेबिनार्स से के संबंधित में संबंधित कार्यक्रमों में और अब तो उन्होंने एक नई सीरीज शुरू की है गुरु मंत्र तो लगातार वो किसी न किसी अकादमिक कार्य में संलिप्त रहते हैं सक्रिय रहते हैं तो मेरी यही प्रार्थना है कि उनको ईश्वर इसी तरह लगातार ऊर्जावान और सक्रिय बनाए रखे स्वस्थ रखे और दीर्घायु करें एक बार पुनः मेरा मेरे गुरु के चरणों में नमस्कार। मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने एक विशेष पहचान बनाने वाले प्रोफेसर संजीव भानावत के व्यक्तित्व और कृतित्व से मैं अत्यधिक प्रभावित हूं शिक्षण हो अथवा शोध प्रशिक्षण का क्षेत्र हो अथवा प्रकाशन का लगभग सभी क्षेत्रों में प्रोफेसर भानवत ने एक अलग अपनी पहचान बनाई है इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेकानेक सम्मेलनों में जिस तरह से प्रोफेसर भानवत ने शिरकत की है और जिस प्रकार से प्रतिभागियों ने उनके उद्बोधन को सराहा है वो निश्चित तौर पर हम सभी को अत्यधिक प्रभावित भी करता है और प्रेरणा भी प्रदान करता है प्रोफेसर तो भानवत के बारे में यह कह सकता हूं मैं कि आप जो कुछ भी करते हैं आप हमेशा अपना शत प्रतिशत देने का प्रयास करते हैं और गुणवत्ता के साथ कभी समझौता नहीं करते आपकी इतनी सारी उपलब्धियां इस बात का स्पष्ट परिचायक है कि यदि मन में हम कुछ ठान लें यदि कुछ पाने और करने का जज्बा हो यदि हमारा कठोर परिश्रम हो तो हम ऊंचे से ऊंचे मुकाम को आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हैं मुझे पूरा विश्वास है कि गत तीन चार वर्षों से प्रो भानावत जिस प्रकार से वेबिनारों की एक श्रृंखला का आयोजन कर रहे हैं और डिजिटल क्षेत्र में भी आपने अपनी एक जो विशेष पहचान बनाई है यह क्रम लगातार चलता रहेगा और निश्चित तौर पर मीडिया जगत से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए विद्यार्थियों के लिए और शोधकर्ताओं के लिए आपके द्वारा जो इतना बड़ा योगदान दिया जा रहा है यह प्रयास अनवरत चलता रहेगा तो ये तो देखिए हमने आपके स्टूडेंट्स की प्रतिक्रियाएं आपके करियर को लेकर अगर हम बात करें तो आपका इतना जो लंबा करियर रहा बहुत सारे अलग अलग अनुभव आपने किए राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज थे और ख़ासकर पत्रकारिता के क्षेत्र में कोर्सेज को एक प्रॉपर फॉर्मेट आपने दिया तो उसके बारे में जाना चाहेंगे वो अनुभव कैसा था देखिए सोनाली जी ये बड़ा एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है एक्चुअली मेरी नियुक्ति हुई थी पत्राचार अध्ययन संस्थान में उस समय ये मैं एटी टू की बात कर रहा हूँ इससे पहले मैं हिंदी में लेक्चरर था गवर्नमेंट कॉलेज में और इसी विश्वविद्यालय से मैंने पत्रकारिता का पाठ्यम किया था और जब वैकेंसीज निकली पत्रकारिता में अध्यापक के लिए सहायक प्रोफेसर के लिए मैंने अप्लाई किया मेरा सलेक्शन हुआ और हमारी नियुक्ति हुई पत्राचार अध्ययन संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस स्टडीज़ फिर राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया कोटा में एक ओपन यूनिवर्सिटी बना दी तब जो हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस का यूनिट था राजस्थान यूनिवर्सिटी का और उदयपुर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का उनको मर्ज करके कोटा में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया अब संकट ये आ गया कि जो पत्रकारिता के शिक्षक हैं हम दो लोग थे उनको कैसे एडजस्ट किया जाए हमें ऑप्शन दिया गया एक टीचर तो चले गए मैं यहाँ रह गया फिर एक वो बहुत लंबी कहानी है मैं संक्षेप में यही बताऊंगा कि फिर मुझे जिम्मेदारी दी गई कि आप पत्रकारिता का नियमित पाठ्यक्रम शुरू करें अब आप कल्पना कीजिए एक 28-30 साल के युवक से 28-30 साल भी नहीं होंगे उस समय जब वो अपने कमरे में जाता है खाली कमरा है और लेटर हाथ में है कि आपको रेगुलर पाठ्यक्रम शुरू करना है टेबल चेयर भी नहीं है बैठने के लिए मैं कहाँ से कैसे यात्रा शुरू करूँ आप सोच सकते हैं फिर मैंने एक पास वाले डिपार्टमेंट से टेबल और चेयर ले कि कम से कम बैठ तो जाऊं मैं और एक चेयर मेरे ऑफिस में मेरा ही एक सहपाठी था जो यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग स्टाफ में था हनुमान सिंह राजपूत उनसे मैंने कहा यार आपको मुझे सहयोग करना है वो आए मेरे साथ बैठे अब विज्ञापन निकालना था विज्ञापन तो अभी बैंक अकाउंट में तो जीरो था हमारे पास कुछ नहीं था फिर मैंने जो हमारे कुछ विद्यार्थी उस समय अखबारों में थे चूँकि कॉरेस्पॉन्डेंस में मैं पढ़ाई चुका था और अखबारों में इवन आपके दूरदर्शन से भी उस दौर के कुछ थे विद्यार्थी जिन्होंने पत्राचार से ये पाठ्यक्रम किया था तो उनके माध्यम से मैंने खबरें अखबार में छपाई कि एडमिशन शुरू हो रहा है और एडमिशन शुरू किया एक खाली कमरे से जब मैंने यात्रा शुरू की वो पूरा एक रोमांच है और जब मैं सेवानिवृत्त हुआ डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में लगभग साढ़े सात हज़ार किताबें थीं और एक टीवी स्टूडियो मैंने बनवाया था यूजीसी के सहयोग से 2005 में तो आप देखिए खाली कमरे से मेरी यात्रा होती है फिर मैंने आसपास के जो और रूम से दूसरे डिपार्टमेंट से कॉरेस्पॉन्डेंस किया यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वायरमेंट भेजी तो लाइब्रेरी मेरी अलग बनी क्लास मेरे दो बने और फिर जो एक और जो मेरा कंट्रीब्यूशन मैं खुद महसूस करता हूँ एकेडमिक एक्टिविटीज़ मैंने बहुत आयोजित की क्योंकि संपर्क क्षेत्र में धीरे धीरे बढ़ाता चला गया अपना और बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसीज़ आप यू यूनिसेफ की बात करें आप यू की बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय आई उनके साथ कुछ विदेशी एजेंसीज थी जिनके साथ इवन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनसीईआरटी इनके साथ मैंने एक के बाद एक सेमिनार वर्कशॉप्स की रूरल जर्नलिज्म पे किया साइंस जर्नलिज्म पे किया एजुकेशनल जर्नलिज्म पे किया और समकालीन जो मीडिया के जो विषय होते हैं उन पर मैंने एक के बाद एक सेमिनार्स की, और जो हमारे स्थानीय समाचार पत्र हैं इनके जो स्ट्रिंगर्स हैं इनको हमने बुला करके ट्रेंड किया डेवलपमेंट जर्नलिज्म को लेकर यूनिसेफ़ के साथ तो मैंने पाँच साल काम किया फेलोशिप्स दी यूनिसेफ़ के साथ मिलकर के हमने डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे काम करने के लिए तो और विद्यार्थियों को बाहर ले गया मैं देहरादून लेके गया साइंस जर्नलिज्म की वर्कशॉप में मैं जोधपुर लेके गया कम्युनिटी रेडियो की वर्कशॉप के लिए माउंट आबू में जो सेमिनार्स की मैं तीन चार साल लगातार विद्यार्थियों को लेके गया मैं तो पंद्रह बीस साल से लगातार वहाँ जाता रहा तो कोशिश मेरी रही कि स्टूडेंट्स को बहुत एक्सपोज़र दूँ क्योंकि मैं वन बैंड डिपार्टमेंट था मेरा पूरा डिपार्टमेंट गेस्ट फैकल्टी के भरोसे चला लेकिन मैं ये कोशिश करता था कि स्टूडेंट्स को जितना एक्सपोजर मिले इंडियन साइंस कांग्रेस हमारे यहाँ हुई थी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय आए थे पूरी कवरेज मैंने अपने स्टूडेंट्स के भरोसे की इतना बड़ा इवेंट था पाँच दिन का इंटरनेशनल इवेंट जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता साइंटिस्ट आए थे तो बीस बाईस सेशन थे उसमें स्टूडेंट्स को झोंक दिया मैंने हालांकि भारत सरकार के पी भी का भी सपोर्ट मिला मुझे बहुत सारे अनुभव हैं फिर मैंने एक काम किया जब हमने मास्टर्स कोर्स शुरू किया 2000 में और पीएचडी शुरू किया तो हिंदी में पाठ्य सामग्री नहीं मिलती थी ज़्यादातर किताबें अंग्रेजी पर आधारित थीं मैंने ग्यारह किताबों का एक सेट जो है वो इस राजस्थान साहित्य अकादमी जो गवर्नमेंट का है वहाँ से मैंने वो किताबें छपवाईं और उसके सारे रॉयल्टी डिपार्टमेंट को मिल रही है करीब 250 लेखकों की टीम मेरे साथ जुड़ती है और जो उस समय के महत्वपूर्ण पक्ष थे उन पर मैंने किताबें निकलवाई सर किताबों की जब आप बात कर रहे हैं तो आपने खुद ने भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं और अभी आपने पुस्तकालय का जिक्र किया कि साढ़े सात हजार किताबें थी जब ये पूरा आपका कार्यकाल खत्म हुआ तो आज के समय में अगर युवा पीढ़ी की बात करें तो कितना आपको क्या फर्क आप महसूस करते हैं देखिए मैंने शुरू में कहा था कि धीरे धीरे पुस्तकों के प्रति जो उत्साह है पढ़ने का हालांकि मैं वर्ल्ड बुक फेयर में कई बार गया हूँ वहाँ अपार भीड़ है जी कभी कभी मुझे लगता है कि वो क्या भीड़ दर्शकों की है किताबें देखने आ रहे हैं या खरीदने के लिए भी आ रहे हैं फिर खरीदने आ रहे हैं तो किस तरह के कि विषयों की किताबें खरीद रहे हैं यह बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि मैंने जो संग्रह किया था मुझे मालूम है मैं उस समय दस ग्यारह अखबार रोज के पढ़ता था देखता था उसमें रिव्यूज़ जो निकलती थी वो किताब फिर मैं मंगवाता था मैं बुक फेयर में जाता था पब्लिशरों के चक्कर काटता था और किताबें एक से एक नई जो आती थी वो अपने डिपार्टमेंट में लेके आया और एक अच्छी लाइब्रेरी रेफरेंस लाइब्रेरी मैंने बनाने की कोशिश की आज का विद्यार्थी जब मैं देखता हूँ क्योंकि अभी मैं सक्रिय हूँ अनेक विश्वविद्यालयों में जाता हूँ एग्जामिनर एक एक के रूप में पीएचडी के एग्जामिनर के रूप में मुझे लगता है कि अधिकांश तह आप आजकल ये जो नई तकनीक आ गई है इस पर ज़्यादा निर्भर मिलता है, है। जबकि किताबों तो, का जो संसार हाँ, है वो बहुत अलग है और ज्ञान का सागर मुझे, अलग ही तरीके का मुझे यही लगता है कि छपे हुए शब्द है ना और ये ऑनलाइन मीडिया हालांकि वो डिस्कशन अलग हो जाएगा उसमें डिस्टरबेंस बहुत है बार बार वो पॉपअप्स आते रहते हैं कहीं हमारा ध्यान भंग करते हैं किताब पढ़ने का जो चाव है लेकिन अब कहने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि नई तकनीक आएगी और हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा फिर अब और आगे बढ़ गए ये ए आई आ गया है जी। आपने चैट जी पी टी पर वो सब्जेक्ट टाइप करके दिया और वो उसने आपको लिख के दे दिया वो आपके लिए सब कुछ हो गया धीरे धीरे वो जो अभिव्यक्ति विद्यार्थी की होनी चाहिए उसका जो एक शब्द भंडार होना चाहिए धीरे धीरे उस पर कहीं असर आ रहा है है ना अखबार पढ़ने की प्रवृत्ति छूट गई मैं तो इतने सेलेक्शन कमेटीज़ में जा रहा हूँ यू की कमेटीज़ में नेक के साथ जुड़ा हुआ हूँ बहुत सारे विद्यार्थियों से शिक्षकों से बात करता हूँ जो नए आ रहे हैं कहीं ना कहीं मुझे एक पीड़ा होती है कि जो अपेक्षाएँ हैं उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि सभी जगह लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से ये जो परिश्रम वाली बात है कहीं इसका असर आया है तो उनकी सामान्य जानकारी का असर आया है फिर वो विद्यार्थियों को मोटिवेट कैसे करेंगे आगे इसलिए मुझे लगता है कि जो मूल पुस्तकें हैं उनको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी जी नहीं ये तो, बदलाव आप चाहते हाँ, हैं ये, कि युवा तो पीढ़ी लेकर तो, आए और वापस किताबों की दुनिया में लौटे और वहाँ से सीखे डॉक्टर संजीव आपने बहुत सारी विषयों पर काम किया है आप अभी भी पूरा सजग हैं और आज की टेक्नोलॉजी की जब आप बात कर रहे हैं तो वो भी आप लगातार समय के साथ सीख रहे हैं पूरा अपडेटेड है ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि इतना आप बिजी रहते हैं फिर भी मन के किसी कोने में कोई ऐसी चीज़ है जो आप सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं और उसके लिए अलग से वक्त निकालना चाहते हैं देखिए ऐसा है मैं रिटायरमेंट के बाद एक तो मेरा जर्नल है जैसा मैंने आपसे बताया कि मैं पिछले 28 साल से निकाल रहा हूँ कम्युनिकेशन टुडे जो बेसिकली मीडिया रिसर्च का एक एक ऐसा मंच है मेरी कोशिश यह है कि देश भर में जो रिसर्च हो रही है टीचर्स हैं स्टूडेंट्स हैं पी स्कॉलर्स हैं वो लोग जो काम कर रहे हैं उनको मैं एक ऐसा मंच दे सकूं जिसके माध्यम से वो अपनी शोध को एक व्यापकता दे सके मेरी वेबसाइट है सारे अंक उसके ऊपर उपलब्ध हैं उनके मैंने विशेषांक भी निकाले जैसे कोविड एंड मीडिया अब कोविड ने किस तरह से मीडिया में रिपोर्टिंग होनी चाहिए क्या है उसके चैलेंजेज उसको लेके एक इशू निकाला अभी आपने नई तकनीक की बात की डिजिटल मीडिया और उसको लेकर के मैंने स्पेशल इशू निकाला मीडिया एजुकेशन इन इंडिया सौ साल हो गए मीडिया एजुकेशन को हमारे यहाँ पर है ना पहला कोर्स चला था जो एनी बी सेंटर उस समय के जो हमारे पुराने पत्रकार हैं उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी में शुरू किया था तो सौ साल से ऊपर हो गया उस पर मैंने विशेषांग निकाला तो इस तरह के विशेषांग निकाले तो एक तो मेरा वो पक्ष था फिर कोविड ने हालांकि बहुत कष्ट हमें दिए बहुत सारे परिवारों में प्रिजन वियुक्त हो गए लेकिन एक नया विकल्प जो लोकप्रिय हुआ वो था ऑनलाइन मीडिया वाला जिसमें हमारी जो ये विचार विमर्श की जो परंपरा है वो निरंतर चलती रही तो मैंने हालांकि मुझे याद है जब पहली बार मैंने ये ऑनलाइन एक उसमें बुलाया था मुझे लेक्चर के लिए तो मैं कुछ एक भयाक्रांत था कहाँ से वीडियो ऑन होगा ऑडियो ऑफ होगा इसकी जानकारी मुझे नहीं थी मुझे ये नहीं समझ पा रहा था कि पंखा चलाऊंगा तो आवाज़ उसमें जाएगी कि नहीं जाएगी नहीं। और हर थोड़ी थोड़ी देर में बच्चों को बुलाना पड़ता है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से मेरा पहला एक्सपीरियंस था आज ये स्थिति हो गई है कि कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो क्योंकि अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं के भी। मैं हर एक पे कम्फर्टेबल हूँ काम कर लेता हूँ हाँ, तो हाँ, कुछ ना कुछ हाँ, सीखते हाँ, रहे देखिए विद्यार्थी तो हम आजीवन है जी है ना कोई भी व्यक्ति है उसे आजीवन विद्यार्थी विद्यार्थी मतलब जिसमें सीखने की चाह है इच्छा है और हमारी एज ग्रुप के जो अब है जो मित्र लोग हैं यदि वो तकनीक को कि मेरे अभी भी ऐसे फ्रेंड्स हैं कुछ जो व्हाट्सअप नहीं कर सकते हैं मेल करने में दिक्कत जब पूरी दुनिया इसी पे सिमट गई है अब हमारे पास जो आते हैं सारे वो सब मेल के थ्रू आते हैं वो तो डाक का सिस्टम तो खत्म हो गया जवाब भी उसी पर देने पड़ते हैं तो अब जो आपने कहा जो एक इच्छा है मैंने आजकल कुछ वीडियोज़ बनाने शुरू किए हैं तो मुझे लग जैसे मैं घूमता भी बहुत हूँ मैं देश दुनिया में काफ़ी मैंने ट्रैवलिंग की है तो एक पर्यटक के दृष्टि से मैं चीज़ों को कहीं देखने की कोशिश करता हूँ मेरी कोशिश रहती है जिस चीज़ को देखा उसका इतिहास भी अपन खंगाले देश के अलग अलग हिस्सों में गया वहाँ के हिस्टोरिकल वो जो प्लेसेस हैं उनको देखा तो उसके पीछे क्या मूल भावना है किसने बनवाया उसका क्या ऐतिहासिक महत्व है सांस्कृतिक महत्व है प्राकृतिक दृष्टि से उसका सौंदर्य आप बीच पे गए तो अब बीच कौन से अरब सागर के पास में है कि हिंद महासागर में है कि कब है उसकी क्या महत्ता है कोई व्यापारिक उसका तो अब ये मैं मैं अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर डालता हूँ लेकिन कभी कभी इच्छा होती है जब मैं देखता हूँ कि कुछ मित्रों ने ट्रेवल ब्लॉग्स बना रखे हैं अपने ये वीडियो के तो मैं उस पर भी काम करूँ जी लेकिन अभी मैं इतना कम्फर्टेबल नहीं हूँ तो मैंने अपने ही विद्यार्थियों को बुलाया अभी मैं जयपुर में हूँ पिछले तीन चार दिन से तो मैंने कुछ विद्यार्थियों से कहा आओ और मुझे ये टेक्नोलॉजी समझाओ तो उन्होंने मेरे लैपटॉप पे वो सॉफ्टवेयर अपलोड अपलोड कर दिया मुझे उन्होंने यूट्यूब के कुछ वो भेज दिए ट्यूटोरियल क्लासेस तो अब मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में यदि मैं उस टेक्नोलॉजी को सीख गया तो हो सकता है कि इस तरह के नए दौर में कुछ नए वीडियोस आप मुझे देख पाए अभी तो बहुत सिंपल हैं और आपके जो स्टूडेंट्स हैं थम... ना वो वो और ज्यादा खुश होंगे बिल्कुल एक्साइटेड है खुद का है ना वो सॉफ्टवेयर मैंने ले लिया आज से छह महीने पहले मैं प्रेस पर निर्भर होता था अब मैं खुद कर लेता हूँ तो मेरी इच्छा है कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट इस टेक्नोलॉजी में हो जाऊ चैट जीपीटी का मैं यूज करता हूँ आजकल है ना लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि उसको और ज्यादा करूँ

तो संजीव जी इतनी सारी बातें हो रही हैं आपने 35 से भी अधिक पुस्तकें लिखी भी हैं और उनको पढ़कर बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बहुत कुछ नया सीख रहे हैं और आगे की क्या प्लानिंग है और पुस्तकें आप लिखना चाहते हैं और अब, अब मेरा, मेरा जो एडिक्शन हो गया वो वीडियोस और इसमें ज़्यादा हो गया लेक्चर्स वगैरह में मेरा जो चैनल है करीब करीब लगभग तीन के आसपास वीडियो टच करने वाले हैं इसमें वेबिनार्स भी है ऑनलाइन लेक्चर्स भी हैं मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो हमारे पुराने मीडिया टीचर्स हैं पत्रकार हैं आज के उनके तो व्यक्तित्व सब परिचित हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनका बचपन से लेकर के मतलब इस तरह के रिसर्च जी। अब चूँकि धीरे धीरे पढ़ने की प्रवृत्ति कम हो रही है लोग सुनते हैं तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो जो हमारे पुराने टीचर्स हैं जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है तो उनके जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं जीवन के अलग अलग पक्षों पर वैसे ही मैं उनसे बात कर रहा हूं कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को तैयार किया उतनी फेलोशिप मिली इतनी रिसर्च मिली तो किस तरह से काम किया तो मैं उस सीरीज पर भी काम कर रहा हूं तो कोशिश मेरी यह है कि इस नई तकनीक के माध्यम से हम एक अवेयरनेस पैदा करें युवा पीढ़ी में और कहीं उनको अपनी विरासत से भी परिचित कराएं जी क्योंकि मीडिया एजुकेशन की जो इतनी लंबी विरासत है इतने टीचर्स ने कंट्रीब्यूट किया है आज देश के लगभग हर विश्वविद्यालय में यह पाठ्यक्रम है जब हमने कोर्स शुरू किया था देश के मात्र 19 यूनिवर्सिटीज में यह कोर्स था और जब मैंने पूरा एक इशू निकाला स्पेशल आज कितने करीब करीब तीन सौ यूनिवर्सिटी से ऊपर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कोर्स चला रही हैं प्राइवेट को जोड़ लेंगे तो अलग हैं तो ये एक बहुत बड़ा संसार है तो इसमें जो लोग काम कर रहे हैं जो नींव के पत्थर हैं है ना आज 80 80 90 इयर्स के हो गए हैं और इतना एक्साइटमेंट उनको कि यार किसी ने तो याद किया आज हमारे जीवन के बारे में और बड़े इमोशनल होकर के बात करते हैं जब अपने उस ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं वो। तो. जी तो आप गागर में सागर को समझना चाहते हैं बहुत सारी तो, चीज़ों का जो अनुभव है संजीव जी आपके साथ जब बातें करने लगते हैं तो समय का बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता है ऐसा लगता है कि आप बोलते रहें और हम सभी सुनते रहें और शायद निस्संदेह रूप से दर्शकों को भी ऐसे ही महसूस हो रहा होगा इतना जो अलग अलग क्षेत्रों में आपने काम किया है इतने सारे लोगों के संपर्क में हैं आप एक अगर अंदरूनी सेटिस्फैक्शन की बात करें अं, आंतरिक तौर पर वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि देती है देखिए संतुष्टि तो हमें अपने काम से मिलती है जी मैं एक पाँच मिनट का वीडियो बनाता हूँ जब उसको डालता हूँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी संतुष्टि का कारण बनता है मेरा जर्नल आज अट्ठाईस साल से निकाल रहा हूँ लेकिन हर एक नए अंक के साथ मैं एक नए सृजन की अनुभूति करता हूँ ऐसा नहीं है कि अंक आ गया है ना क्योंकि मेरे पास कोई सेटअप नहीं है ऑफिस का मैं खुद ही उस पर टिकट चिपकाता हूँ मैं खुद ही पोस्ट ऑफिस जाता हूँ उसके साथ एक बच्चे की तरह से जुड़ाव है जैसे बच्चा किलकारी मारता है और पेरेंट्स खुश होते हैं शायद वो हर अंक मेरे लिए उस बच्चे की तरह से है दूसरा जो मुझे लगता है कि आप अपने मित्रों के साथ अपने विद्यार्थियों के साथ एक डायरेक्ट संबंध करें केवल टेलीफोनिक नहीं जी। मैं जहाँ जाता हूँ कोशिश करता हूँ कि वहाँ के मित्रों से और वहाँ के जो मेरे विद्यार्थी हैं उनके साथ एक लाइव कॉन्टेक्ट करूँ मेरे पास नंबर है उनको मैसेज कर देता हूँ कि मैं आ रहा हूँ आप देखिए मैं मैंगलोर में गया एक हमारे विद्यार्थी थे जो जी से रिटायर हुए और वो मैंगलोर में, में सेटल्ड है अभी साल डेढ़ साल पहले फ़ोन आया जब मैं बेंगलोर में था तब मैं वहाँ गया मैंगलोर 93 इयर्स के हो गए उनसे मिलने घर गया उनके घर पे भोजन किया मैंने तो आप देखिए कितनी बड़ी खुशी है कितने साल बाद मिले मुझे उन्होंने मुझे अपनी बायोग्राफी दी उस बायोग्राफी में एक पेज मेरे बारे में और डिपार्टमेंट के बारे में लिखा हुआ था इससे बड़ा सर्टिफिकेट मेरे लिए और क्या हो सकता है इसलिए मैं लोगों से मिलता हूँ उनके साथ गपशप करते हैं हंसी ठहाके लगाते हैं क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है है ना तो इसलिए जो समय भगवान ने दिया है उसका अधिकतम सकारात्मक उपयोग हम कर पाए तो मेरा जर्नल जी। मेरा लेखन और जो मैंने किताबें लिखी और संपादित हाँ संपादित की हैं वो हर एक किताब का नया संस्करण वही खुशी उमंग उल्लास का आधार बनता है जब वो पहला एडिशन बना था जी तो मुझे चलते यही लगता। चलते आ, युवा पीढ़ी और खासकर वो पीढ़ी जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहती है उनको आप क्या खास संदेश देना चाहेंगे देखिए मेरा तो एक ही संदेश है जो मित्र मीडिया में आना चाहते हैं मीडिया तेजी से बदल रहा है उन्हें भी अपने आप को बदलना पड़ेगा एक टाइम था जब प्रिंट के लिए अलग था ब्रॉडकास्ट के लिए अलग था लेकिन तकनीक ने सब अंतर को मिटा दिया है अब आपको प्रिंट खबर लिखनी भी है खबर को बोलना भी है ऑडियो भी आपका अच्छा होना चाहिए वीडियो भी आपका अच्छा होना चाहिए प्रिंट भी आपका अच्छा होना चाहिए और नई टेक्नोलॉजी से आप परिचित होने चाहिए तो हर विद्यार्थी को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और नई नई चैलेंजेस आ रहे हैं एआई आई एंकर्स आ गए हैं रोबोट एडिटोरियल्स लिख रहे हैं तो तकनीक के साथ भी उनको प्रतिस्पर्धा करनी है और ये तभी कर पाएंगे जब वो एक कमिटमेंट के साथ काम करेंगे उनके में एक मौलिक अभिव्यक्ति की क्षमता सृजित हो और ये तभी होगा जब वो खूब पढ़ेंगे शिक्षक के रूप में मेरी बहुत बड़ी पीड़ा रही है कि हमने धीरे धीरे पढ़ना छोड़ दिया है जब हम नियमित रूप से नहीं पढ़ेंगे तो उसके फिर परिणाम भुगतने पड़ेंगे हम अपने आसपास से परिवेश से परिचित नहीं हो पाएंगे हमारा शब्द भंडार उतना नहीं बन पाएगा हमारा मौलिक चिंतन नहीं होगा तो मेरा तो यही कहना है कि अपने कमिटमेंट के साथ काम करें खूब पढ़ें और ये जो प्रतिस्पर्धा है इसमें टिके रहने के लिए जो नवीनतम परिवर्तन हो रहे हैं इनके साथ कदम ताल करें निश्चित रूप से सफलता क्योंकि आजकल तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है मेरे कई विद्यार्थी हैं जो निजी रूप से भी काम कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हैं ट्रांसलेशन कर रहे हैं अद्भुत कितनी तरह से वो मीडिया मैनेजमेंट जो उनके पीआर एक्टिविटीज़ है वो कर रहे हैं इतने सारे नए एरियाज़ हैं क्योंकि तकनीक ने बहुत जगह प्रभावित किया है जॉब्स और उसमें लेकिन नए भी निकले हैं तो बिना किसी घबराहट के या भय रहित होकर के वो काम करें निर्भीकता के साथ आत्मविश्वास के साथ सफलता उनका वर्ण करेगी जी प्रोफेसर डॉक्टर संजीव भानावत आज आप हमारे इस कार्यक्रम धरती धोरा धुरारी में आए इतनी सारी बातें आपने की इतने सारे जीवन के जुड़े हुए किस्से आपने हमारे सभी के साथ शेयर किए चाहे वो बचपन से थे आपके कार्य क्षेत्र से थे और आप जो लगातार समय के साथ चलते रहते हैं तो बहुत सारी एनर्जी बहुत सारी ऊर्जा आज आपने हमारे सभी के अंदर भर दी सोनाली जी मैं तो ये भी कहूँगा कि जो इस कार्यक्रम का नाम है धरती धोरारी ये नाम सुनते ही राजस्थान की पूरी विरासत हमारे उस पूरे रग रग में कहीं रोमांचित करती है कन्हैयालाल जी सेठा जैसे कवि उनकी ये पंक्ति उस राजस्थान के पूरे इतिहास के साथ हमको जोड़ती है और ये बहुत मैं तो साधुवाद दूंगा दूरदर्शन के अधिकारियों को कि उन्होंने इस नाम के साथ जोड़ करके व्यक्तित्व आधारित इस कार्यक्रम की शुरुआत की इस कार्यक्रम में सहभागिता करना ही अपने आप में मुझे लगता है कि एक बहुत ही सम्मान का विषय है आपने आमंत्रित किया और जीवन के कुछ पक्षों को शेयर करने का अवसर दिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद